ओ भाई साहब, फाइनली क्रॉप्टन ने ऑफिशियली बता दिया है कि BGMI अर्ली एक्सेस फॉर एवरीवन। हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर, आज है 25 मई एंड आज के दिन आने वाला था BGMI। तो गाइस फाइनली BGMI आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अर्ली एक्सेस भी मिल चुका है क्रॉप्टन के ऑफिशियल पोस्ट से। तो गाइस कैसे आप लोग भी अर्ली एक्सेस ले सकते हो, आज की वीडियो आप लोग को यही बताऊंगा। एंड गाइस मेरे पास BGMI से रिलेटेड काफी सारी न्यूज है, तो आज की वीडियो में सभी कुछ अच्छे से देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओह माय गॉड यार, ये क्या सुन लिया कि सचिन तेंदुलकर ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बनने वाले हैं। तो गाइस अगर ऐसा हुआ तो जैसे हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा होप मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बूम हो जाएगा यार। सच्ची बता रहा हूं, आपका क्या कहना है कमेंट जरूर बता देना। ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा रिएक्शन कुछ इस तरीके से था। जो क्या हमारा जो BGMI का ट्रेलर आया था वो क्या फेक था? तो क्या जिसे कल मैं सर्च कर रहा था तभी मुझे PUBG मोबाइल के ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे यही वाला तो बिल्कुल सेम ट्रेलर देखने को मिला, जिसमें कैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे PUBG लिखा हुआ था एंड ट्रेलर भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब बिल्कुल सेम वही था। तो गाइस इसमें बहुत सारे बंदे कह रहे थे भाई ये जो हम लोग को ट्रेलर देखा है उससे हम लोग ने फेक देखा है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, देखो यहाँ पे जो ट्रेलर दिया गया है ये 2.6 अपडेट का ट्रेलर है, ना कि PUBG का ट्रेलर है। तो गाइस अगर ये सेम अपडेट BGMI में आएगा तो जाहिर सी बात है यार अपडेट का जो ट्रेलर होगा वो तो एकदम बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसको आप लोग ट्रेलर बोलना बंद कर दो, ये अपडेट का लुक होता है, उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है कि कैसे चल रहेगा अपडेट, ऐसा कुछ सीन होता है। लेकिन आप लोग ट्रेलर बोल रहे हो BGMI का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेलर अभी शूट होगा, वो जब आएगा जब इसकी हिंट मिलेगी मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा वीडियो बना के। एंड जो अगली न्यूज निकल कर आती है वो आती है शिवन नंदी जी की तरफ से, जबकि उनसे किसी बंदे ने स्टोरी में पूछा BGMI लॉन्च डेट, तब उन्होंने देखो क्या लिखा है, द पब्लिशर हैज बीन वर्किंग टेरिसली फॉर द लास्ट 10 मंथ। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो जो BGMI जो सर्वर होता है, जितना हम लोग आसान समझते हैं कि यहाँ से डेटा उठा के वहाँ पेस्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो डेटा यहाँ पे ले रहे तो सारी चीज़ें चेक करके ले रहे हैं, किस चीज़ को इसमें ऐड करना है, किस चीज़ को इसमें से हटाना है। एंड जो डेटा होता है वो ऐसे नहीं कि उठाया कॉपी पेस्ट मार दिया, बल्कि चेक होके कर रहा है, सर्वर चेंज हो रहा है और लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्लिप इफेक्ट चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ रही है। एंड जैसा कि एक एक बंदे का डेटा है सब कुछ वो भी चेंज करा जा रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। अगर मैं बताने बैठता तो शाम हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड आपको पता होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत रिस्ट्रिक्ट है, अगर कुछ भी गलत देखा तो गेम बैन होगा और सीधा बैन हो जाएगा परमानेंट, इसलिए तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्रॉप्टन। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बना के आप लोग को पेश करेंगे, जिसमें कोई भी ना दिक्कत आए ना कुछ भी हो। एंड अगली न्यूज भी शिवन नंदी जी की तरफ से आते, जब उनसे किसी बंदे ने पूछा व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट स्काईलैंड टूर्नामेंट फॉर BGMI पॉसिबल फॉर ऑडियंस, तो गाइस यहाँ पे इन्होंने कहा यस इन द स्टेडियम विद 1000 ऑफ पीपल बेंगलोर और मुंबई। तो गाइस इस तरीके से कुछ न्यूज़ पहले ही आ चुकी थी कि जो मास्टर जो सीरीज होती है नॉर्डविन करवाता है, तो उसमें भी आपको एक स्टेडियम देखने को मिल जाएगा जिसमें काफी सारी ऑडियंस आएंगी, तो उसका भी बन चुका है। लेकिन स्काई स्पोर्ट का जो होगा, स्काई स्पोर्ट सच्ची बता रहा हूँ बहुत बेस्ट होता है। एंड उसके अवार्ड सेरेमनी में जो सचिन तेंदुलकर आया था यार, क्या अवार्ड सेरेमनी थी, मतलब एक लेजिट चीज थी यार, क्या ही थी। अगर ये हो चीज होती है ना सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी लैन खेलूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा यार स्पोर्ट ज्वाइन करने का। अच्छा जो अगली न्यूज निकल कर आती है, तो आप देख सकते हो कि लिखा है कि गेट द APK ऑन ऑफिशियल वेबसाइट 600 MB ओनली। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल फेक है, ये पोस्ट बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, जैसे कि आप ऊपर BGMI देख रहे हो, BGMI भी नहीं है ये, जब लिविक आ रहा था तो बिल्कुल उसी तरीके का पोस्ट था, बाकी इसमें लोगों ने ऐड कर दिया BGMI एंड जो भी चीजें नीचे लिख दी है। तो इसको यकीन मत करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी 600 APK नहीं आया है। गाड़ी निकल किसने बनाया है इसकी खैर नहीं यार, इतने खतरनाक डेटा रहता है भाई, कहीं जाके जॉब कर लो। अगले न्यूज भी बहुत ज्यादा कमाल के, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्रॉप्टन की एक पोस्ट आई है जिसमें लिखा है गेट रेडी टू जंप। तो गाइस ये पोस्ट मैं आप लोग को बता दूं बहुत पहले की, जब BGMI आ रहा था तब की पोस्ट है, लेकिन अभी बंदे इसको पोस्ट कर करके इसकी हाइप बना रहे हैं, तो ये ऑफिशियल पोस्ट ऐसा बिल्कुल है, लेकिन ये अभी की नहीं है, ये 2 साल पहले की पोस्ट है। एंड अगली जो थोड़ा सा फनी है, जैसे कि हम लोग देख सकते किसी ने एडिट करा है, तेरा दिमाग खराब है क्या साले, बार बार खुल के देख रहा है, बोल दिया ना तुझे आप सर्वर खुल जाएगा तब खुलेगा, समझ नहीं आता क्या। तो गाइस यार ये मीम्स एक तरीके से मीम्स समझ लो, तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसको देखा जब मैंने मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने सोचा लाओ यार आप लोग को भी दिखा दूं। एंड के चलते अपने अगले न्यूज पे, जो कि यार मोटरलैंड डायनामो की तरफ से, जैसे कि क्लिप है मतलब, तो बंदे कह रहे भैया मोटरलैंड डायनामो इस BGMI के शूट पे गए हैं, BGMI अर्ली टेस्ट खेल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग कोरिया की फुटेज है, ये फोर्टनाइट मैच होता था उसमें 1v1 किया कुछ भी करके, एक तरीके से एक मिशन चैलेंज
चैलेंज है उसको कंप्लीट करके जीत रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो ऐसा इस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये डायनेमो ने पोस्ट करा था। अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि है अर्ली एक्सेस से रिलेटेड। तो गाइस क्या बीजेएमआई ने यहाँ पे अर्ली एक्सेस पोस्ट लीक कर दिया है? तो जी हाँ गाइस, पोस्ट लीक तो करा है, लेकिन गाइस ये पोस्ट अभी की नहीं है, ये 2 साल पहले की पोस्ट है, मतलब कि 2021 की जब बीजेएमआई पहली बार आ रहा था तो उसकी ये पोस्ट है। तो बंदे अभी इसकी हाइप बना रहे हैं, अर्ली एक्सेस लीक कर दिया, अर्ली एक्सेस फॉर एवरीवन। तो यार आप लोग को मैंने बता दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अर्ली एक्सेस ये तो है ऑफिशियल पोस्ट ऐसा बिल्कुल है, लेकिन ये अभी की नहीं है, 2 साल पहले की है। ऑलराइट गाइस, यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आई होप आप लोग को पसंद आए। प्लीज यार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, थंबनेल भी बना रहा हूँ, तो यार शेयर कर दो यार, बता कि मेहनत वसूल हो जाए। मैं मिलता हूँ आप लोग से नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय गाइस एंड लव यू ऑल।